दोस्तों सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लो, मेरे पास दो मोबाइल हैं और दोनों में मेरे को लोन मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो पूरे 15,000 रुपये का लोन मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरे मोबाइल में देखेंगे दोस्तों तो मेरे को पूरे 12,000 रुपये का लोन मिल रहा है। इस लोन को लेने के लिए जो आपका सिविल स्कोर कम हो चुका है, आपका सिविल स्कोर 500 550 के आसपास है या 600 के आसपास है, तो यहाँ पर इमरजेंसी पड़ने पर आपको इंस्टेंट लोन मिलता है। आप में से बहुत से लोग ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर कोई ऐसी एप्लीकेशन लेकर आएँ जो पहली बार में लोन अप्लाई कर दे और बैड सिविल पर लोन दे दे, तो भाई ऐसी कंडीशन में ये जो एप्लीकेशन है इंस्टेंट आपको लोन प्रोवाइड करा सकती है। दोस्तों मेरे पास दो मोबाइल हैं, दोनों में मेरे को लोन मिला है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है या आपकी इनकम कम है, तो भाई इमरजेंसी पड़ने पर आपको यहाँ पर इंस्टेंट लोन मिल सकता है। अब इस लोन को लेने के लिए इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि बहुत से लोग ये कमेंट्स करते हैं कि सर हमारी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हमें कहीं से लोन नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है, आपकी जो एज का क्राइटेरिया है वो कम से कम 18 साल है और मैक्सिमम 58 साल है, यानी कि 18 to 58 ईयर ओल्ड लोगों को यहाँ पर इंस्टेंट लोन मिलेगा। और साथ ही साथ आपका जो सिविल है वो 500 से लेकर 600 के बीच होना चाहिए, ये मैं कम से कम क्राइटेरिया बता रहा हूँ। उसके ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर 700 800 जितना है कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है, पर मिनिमम 500 से कम नहीं होना चाहिए। 500 तक के लोग यहाँ पर जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि लोन कितना मिलेगा, तो दोस्तों इस ऐप पर लोन अप्लाई करने के लिए जो कम से कम आपको लोन मिलता है वो मिलता है 1,000 का, और मैक्सिमम जो लोन मिलता है वो मिलता है दोस्तों यहाँ पर 1,00,000 रुपये का। तो 1,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक का आपको इंस्टेंट लोन मिलेगा। दोस्तों वैसे तो ये ऐप काफ़ी शानदार है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप बैड सिविल भी अगर आपका हो गया है तो भी आपको लोन मिल जाएगा। पर इसकी एक प्रॉब्लम है, इस लोन ऐप की एक दिक्कत है जो मैं आपको बता दूँ जो मेरे को लगी, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है वो थोड़ा कॉस्टली मिलता है। अब आपको कितना कॉस्टली ये लोन पड़ने वाला है, लाइव प्रूफ आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे 12,000 रुपये का लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। पहले आप इस वीडियो को देख लें, समझ जाएं कि कहाँ पर कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं। जब आप एक बार देख लेंगे समझ जाएंगे, तो उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ और आप जेन्युइन ऐप पर पहुँच जाओगे। उसके बाद दोस्तों आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको 100% यहाँ पर लोन मिलने की पूरी संभावना है। तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे सीधे पहुंच जाओगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर पहुंचने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और यहां पर आपको देखने को मिलेगा राम फिनकॉर्प। इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे यहां पर परमिशन पूछी जाती है, लोकेशन डिवाइस एंड SMS। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ और भी परमिशन देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि इंस्टॉल्ड ऐप की परमिशन देखने को मिलेगी, पिक्चर की परमिशन देखने को मिलेगी, रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो की परमिशन देखने को मिलेगी। RBI द्वारा अप्रूव्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन मिली हुई है, तो RBI द्वारा अप्रूव्ड जो है ये लोन ऐप होने वाली है। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको कि भाई यहाँ पर आपको जो है लोन लेने के लिए इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है उसको अलाउ करना होगा। तो ऊपर देखेंगे यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अलाउ पर क्लिक करके परमिशन को अलाउ कर देंगे और उसके बाद दोस्तों परमिशन अलाउ होने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंटर मोबाइल नंबर। मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पर आप अपना वही मोबाइल नंबर डालें जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। मोबाइल नंबर डालेंगे, गो टू एट OTP पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा या यहाँ पर आप जो है मैनुअल अपने तरफ से OTP डाल देंगे। उसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर हमारा जो OTP है वो वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि आपको लोन लेने के लिए 3 स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे, KYC, पर्सनल डिटेल एंड गेट योर ऑफर, ठीक है। अब उसके बाद गेट कैश पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राम फिनकॉर्प, यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई अब आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करनी होगी। नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको बताया गया है कि एंटर योर नेम, आपके पैन कार्ड पर जो नाम है अपना नाम यहाँ पर डाल देंगे। एंटर ईमेल, अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड का नंबर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई आधार नंबर, तो यहाँ पर आप जो है अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करेंगे। आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वाया डिजिटल लॉकर, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और डिजिटल लॉकर के माध्यम से आप अपनी जो है KYC को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, लोन का पर्पस। अब यहाँ पर लोन आप क्यों ले रहे हैं, अपना कोई एक पर्पस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एंटर लोन अमाउंट, कितने रुपए का लोन लेना है, यहाँ पर आप उस अमाउंट को डाल देंगे या नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जेंडर, आप मेल है फीमेल है, ठीक है, सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है या मैरिड है, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो जितने पढ़े लिखे हैं आप अपने हिसाब से अपनी जो कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड है सेल्फ एम्प्लॉय है, यहाँ पर जो है अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएगा मोड ऑफ पेमेंट, आपको जो पैसा मिलता है वो बैंक में ट्रांसफर होता है,
चेक मिलता है या कैश मिलता है, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर यू आर नाउ एलिजिबल फॉर अ स्पेशल ऑफर, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, एंटर योर कंपनी नेम। देखो आप अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं, जैसे कि आपको पता है मैं यूट्यूबर हूँ तो गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मैंने नाम डाल दिया, क्योंकि यूट्यूब भी गूगल का ही है। उसके नीचे है एंटर योर ऑफिशियल ईमेल, तो ये ऑप्शनल है, यहाँ पर डालना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है डेजिग्नेशन, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सीईओ, अदर। मैं किस पोस्ट पर हूँ, यहाँ पर अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं अदर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मेरे सामने आता है मंथली इनकम, आप एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर 15-20 हज़ार रुपये आप कमा लेते हैं तो आपको इंस्टेंट यहाँ पर लोन मिल जाता है। तो अपनी इनकम यहाँ पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है वर्क एक्सपीरियंस, काम का कितने साल का एक्सपीरियंस है, जो भी हम काम कर रहे हैं कितने साल से काम कर रहे हैं, सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है किस तारीख को हमें सैलरी मिलती है, उस तारीख को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है कि रेजिडेंटल एड्रेस, हम जिस घर में रहते हैं हमारा अपना घर है या रेंट का है, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है जो भी हमने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किया है, हमारे आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अगर सही है तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर है फैच यूजिंग नंबर, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, नेट बैंकिंग एंड अपलोड स्टेटमेंट, ठीक है। एक देखने को मिलेगा फैच यूजिंग फोन नंबर, तो ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस है, यहाँ पर बताया गया है कि भाई मैंने जो अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया है उस बैंक में मेरा जो फोन नंबर है वो कौन सा है, तो यहाँ पर मैं अपना फोन नंबर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। गो टू ओटीपी पर क्लिक करूंगा, मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई करूंगा। अब यूज अकाउंट पर क्लिक करूंगा, उसके बाद मेरी डिटेल देखने को मिल जाएगी, आई एग्री पर क्लिक करूंगा। अब आप देखेंगे दोस्तों ऑटोमेटिक हमारी जो बैंक है उसको यहाँ पर जो है कनेक्ट कर दिया गया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है। उसके बाद देखेंगे हमारी जो बैंक की स्टेटमेंट है उसको ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लिया गया है। उसके बाद है कि हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर हैज बीन अप्रूव्ड सक्सेसफुली, हमारा जो लोन है वो अप्रूव हो चुका है, कितने रुपए का हुआ है वो अभी पता नहीं है, देखेंगे आगे। वेरीफाई बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा आपको देखने को मिलेगा 12,000 रुपये का लोन अप्रूव हुआ है, यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रोसेसिंग फीस जो है वो 1,416 रुपये है और हमारे बैंक में जाएगा नेट डिस्बर्सल अमाउंट 10,584 रुपये। अगर हमें 12,000 रुपये का लोन लेना है तो टोटल हमें 30 दिन के बाद जो रिपेमेंट करनी है 15,600 रुपये करनी है। तो भाई एक तरीके से मैं आपको बता दूँ, इस ऐप पर आपको बहुत ही कॉस्टली लोन मिलता है, बहुत महंगा लोन मिलता है। पर दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कहीं से लोन का इंतजाम नहीं हो रहा है और लोन आपको चाहिए और कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, तो भाई इस एप्लीकेशन पर आपको इंस्टेंट लोन मिल सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे हमें जो है पूरे 30 दिन के लिए मिला है, तो यहाँ पर एक महीने के लिए लोन आपको मिलता है। इस लोन को लेने के लिए ठीक है मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारे सामने वाला इंटरफेस आएगा रेफरेंस डिटेल, यहाँ पर हमें अपने दो जानने वालों के नाम देने होंगे, नंबर देने होंगे, रिलेशन बताना पड़ेगा। तो आप जो है अपने दोस्त का या अपने फ्रेंड का किसी का भी नाम दे सकते हैं, फैमिली में नाम दे सकते हैं, आपके साथ क्या रिलेशन है वो बताएंगे, उसका फ़ोन नंबर देंगे पहले वाले रेफरेंस में और दूसरे वाले रेफरेंस में भी, ऐसी करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा एंटर योर बैंक डिटेल, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिस बैंक में आप इस पैसे को लेना चाहते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर एंटर योर बैंक होल्डर नेम बताना है, यानी कि मान लो आपको अपने ही बैंक में पैसा मंगाना है तो अपना नाम बताएंगे, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर बताएंगे, फिर अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, बैंक का नाम बताएंगे कौन सा बैंक है और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट योर ई मैंडेट, अब आपको ई मैंडेट करना पड़ेगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ई मैंडेट का मतलब है कि भाई आपको जो लोन मिल रहा है उसकी जो अमाउंट है, उसकी जो किस्त है, वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से काट ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपका बैंक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, मैं डेबिट कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, ऑथेंटिकेट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप डेबिट कार्ड सिलेक्ट करेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपका ATM कार्ड, डेबिट कार्ड के 16 नंबर जो होते हैं पीछे उनको यहाँ पर डालेंगे, आपका जो है ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड कब तक वैलिड है एक्सपायरी डेट डाल देंगे, उसका जो सिक्योरिटी पासवर्ड है जिससे आप पैसे निकालते हैं वो यहाँ पर डालकर एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालकर अप्रूव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे हमारा जो ईमेल डेट है वो सक्सेसफुली हो चुका है, पैसे को लेने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल देखने को मिलेगी, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका सैंक्शन लेटर देखने को मिल जाएगा, डिसबर्स लोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके सामने कि 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके बाद आप जो है अपनी एप्लीकेशन के होम पेज पर जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मेरे को बताया गया है कि भाई मेरा जो लोन है वो 15,600 रुपये मेरे को टोटल रिपेमेंट करनी है, मेरी ड्यू डेट यहाँ पर देखने को मिल गई। और इस तरीके से मैं जो हूँ चाहूँ तो अपने तरफ से भी इस लोन की रिपेमेंट कर सकता हूँ।